गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज बीबी फर्स्ट सेम में आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में जो आज का टॉपिक है वो है कार्नोट मैप सिंप्लीफिकेशन। इसमें हमने कार्नोट मैप की डेफिनेशंस टू वेरिएबल और थ्री वेरिएबल बता दिया था। अब हम चलेंगे यहाँ पे फोर वेरिएबल की मैप कैसे होते हैं। तो इन फोर वेरिएबल आर को सिस्टम सपोज बी गैट आउटपुट 001 011 0111 11110 इनपुट कॉम्बिनेशन, देन द फंडामेंटल प्रोडक्ट फॉर आउटपुट 00 का मतलब होगा 12, ठीक है, सब पे 12 आ जाएगा। 0 मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है 12। तो 00001 को कैसे लिखेंगे, ए का बार, बी का बार, सी का बार, 1 है तो डी एज इट है, फोर वेरिएबल है ना, तो हम ए बी सी फोर वेरिएबल लेंगे, ठीक है। फिर है 0110, तो 0110 को 0 का मतलब होता है ए का बार, बी और सी, और 0 का मतलब डी पर बार, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट चलेंगे 0111 में 0 का मतलब बार, ए का बार, बी सी और डी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, 1110 को कैसे प्रेजेंट कर लेंगे, ए बी सी और डी पर बार, क्योंकि 0 है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अकॉर्डिंग के मैप मे बी कंप्लीटेड एज फॉलोज, ए का बार, बी का बार, ठीक है। ये हम कैसे बनाएंगे, इसमें एक तरीका है, ये मेथड चाहे आप याद कर लो इस टाइप से वेरिएबल काउंटेड करना। तो यहाँ पर होगा ए बार, बी बार, सी बार, डी बार, ठीक है, ए बार, बी, सी बार, डी, ठीक है। यहाँ पर चलेंगे आपके ए बी वेरिएबल, और यहाँ पर चलेंगे सी डी वेरिएबल, तो ए बार, बी बार, ए बार, बी, ए बी और ए बी बार, ऐसे ही यहाँ पर सी बार, डी बार, सी बार, डी, सी डी और सी डी बार, सी डी बार, ठीक है। फिर इसको लिखेंगे M0, M1, M2 इधर आएगा, M3 इधर चलेगा, ठीक है, फिर M4, M5, M6 इधर, M7 इधर, फिर हम लिस्ट वाले रूप पर जाएंगे। आप एज इट इज याद कर लेना, या फिर लिख लिख के आपको सिंप्लीफिकेशन कर करके याद हो जाएगा। फिर M8, M9, M10, फिर M11, फिर M12, M13, M14, M15, ठीक है। इसी तरीके से आपका, इसी तरीके से आपका फोर वेरिएबल चार्ट बनेगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज कैसे पुट कर सकते हैं, ए बार, बी बार, यहाँ पर M0 था तो 0 की वैल्यू होती है 001, 1 की वैल्यू होती है 0001, ठीक है, 4 की 3 की वैल्यू होती है 0011, 2 की पावर 0 से निकाल लेना, आपको ऐसे ही वैल्यू होती है फाइनल नंबर, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर 2 की निकाल ली, ठीक है, M4, M5, ठीक है, फिर M6 की, M7 की, फिर M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, तो 0 से लेके 16 तक वेरिएबल, यहाँ पर 15 तक वेरिएबल पुट कर देंगे 16 बिट के लिए। फोर वेरिएबल मतलब होता है 16 बिट, ठीक है, तो 16 बिट वेरिएबल पुट करने के बाद ये हमारे को एक टेबल मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं पेयर्स कैसे बनाते हैं, क्वार्ट्स कैसे बनाते हैं, ऑक्टेट कैसे बनाते हैं अपने के मैप में या कार्नोट मैप में। उसके लिए सबसे पहले पेयर्स क्या होते हैं ये समझेंगे हम। इफ टू वन लाइन एडजेसेंट वेदर अ लो रो और कॉलम इन अ के मैप इज कॉल्ड पेयर। अगर कोई वन वन वेरिएबल हमको या तो रो में मिल रहा है या कॉलम में मिल रहा है तो वो हमारा पेयर बन जाता है। एक साथ होना चाहिए, चाहे वो रो में हो तो एक साथ हो और कॉलम में हो तो एक साथ हो, तो वो कहलाते हैं हमारे पेयर्स वेरिएबल, ठीक है। अब कैसे हम एक सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू, तो हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, y=ABCD+ABCD बार, ठीक है। तो y=, हम सबसे पहले क्या करेंगे, सेम अपना मेथड से ये टेबल पुट कर लेंगे, ए बार, बी बार, ए बार, बी, ए बी और ए बार, ए बी बार, ऐसे यहाँ पे सी बार, डी बार, सी बार, डी, सी डी और सी डी बार। अब देखिए पहला क्या है, ए बी सी डी, देखो ए बी सी डी कहाँ लिख रहा है, ए बी ए है, सी डी ए है, तो यहाँ पे वन पुट हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या है, ए बी सी डी,
बार ए बी ए है, सी डी बार ये, ठीक है, ये वन वन पुट कर दिया, बाकी लगे क्या आपके कर लेंगे जीरोस पुट कर देंगे, ठीक है। जीरोस पुट करने के बाद आपका ये पेयर बन गया। पेयर बनने के बाद आप उसको सिंप्लीफिकेशन भी करेंगे, तो आपने क्या किया, ए बी सी डी प्लस ए बी सी डी बार, ठीक है। फिर इसका क्या किया, ए बी सी तीनों में कॉमन, दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ए बी सी को बाहर कर दिया। डी प्लस डी बार का मतलब होता है वन, इसकी वैल्यू होती है वन, क्योंकि डी का मतलब वन प्लस जीरो, ठीक है, इक्वल टू वन। सेम यही मेथड इसमें लगा है, इसकी वैल्यू हो गई वन, तो आंसर क्या आ गया, वाई इक्वल्स टू ए बी सी। तो ये हमारा मेथड था पेयरिंग का, कि हम कैसे पेयर को अपनी टेबल के अंदर या मैथ के अंदर सॉल्व करते हैं और उसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं उसके वेरिएबल्स को। तो ये हमारा था पेयरिंग करना। अगर हम इसमें चाहें तो एक पेयरिंग का वेरिएबल एक अलग मेथड से, एक मतलब एक और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे हमने लिया ए बार बी बार सी डी, ए बार बी सी डी, ठीक है, ए बार बी बार सी डी प्लस ए बी सी डी बार, ए बी ए बार बी सी डी, ठीक है। ये आपका एक मैथ, इसको भी हम इसी सिंप्लीफिकेशन मैथड से सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये सेम हम ये वाला मैथ के वेरिएबल्स पुट कर दिया हमने, ए बार बी बार और ये ए बार बी ए बी और ए बी बार सी डी बार सी बार बी और सी डी बार, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ए बार बी बार, ए बार बी बार कहाँ दिख रहा है ये, फिर अपन को क्या चाहिए सी डी, तो सी डी कहाँ दिख रहा है यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। फिर नेक्स्ट वेरिएबल क्या है, ए बार बी, ए बार बी ये है अपना ये सी डी, ठीक है, तो ये हो गया ये, ठीक है। अब बाकी जगह पे क्या करेंगे, जीरोस पुट कर लेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको पेयर मिल गया, ये आपके पेयर मिल गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ेगा हमको, तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम इसको सिंप्लीफाई के लिए हमने ले लिया ए बार बी बार सी डी प्लस ए बार बी सी डी, ठीक है। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है हमारा, कॉमन क्या आ रहा है हमारा, ए बार ठीक है, और उसके बाद हमारा जो बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, बी बार सी, ठीक है। हमको पता है बी बार प्लस बी, जैसे डी प्लस बी बार कितना हो गया था वन, ऐसे बी प्लस बी बार कितना हो जाएगा वन, तो क्या होगी वैल्यू क्या आ गई, ए बार सी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आज हमारा था कार्नोट मैथ फोर वेरिएबल एंड हाउ टू क्रिएट अ पेयर्स इन कार्नोट मैथ। थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम पेयरिंग के बाद क्वाड पढ़ेंगे, क्वाड के बाद ऑक्टेट पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।